अलवर शहर के जेल के सर्किल स्थित क्रॉसपॉइंट मॉल की बदहाल स्थिति को लेकर दुकानदारों ने क्रॉसपॉइंट मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने बताया कि क्रॉसपॉइंट मॉल में मेंटेनेंस में लगातार गिरावट है। यहां पर मेंटेनेंस के लिए कोई स्टाफ जिम्मेदार नहीं है। सिक्योरिटी व्यवस्था, लाइट, लिफ्ट, एक्सीलेटर लगातार 4 महीने से खराब है और पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। एसी प्लांट के बारे में गत वर्ष से लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि न्यू प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से फर्जी आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि कोई प्लांट के बारे में कार्रवाई नहीं हुई, मेंटेनेंस कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी व्यापारी का व्यवसाय लगातार गिर रहा है। क्रॉसपॉइंट मॉल के बाहर भी कोई लाइट एवं सफाई व्यवस्था उचित प्रकार से नहीं है। मॉल का लुक भी मॉल जैसा नहीं लगता, इसलिए मॉल का अवलोकन कर मॉल के व्यापारियों से बैठक कर समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से किया जाए, अन्यथा मॉल के व्यापारियों को मॉल बंद करना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार खुद मॉल संचालक होगा और मेंटेनेंस संबंधी कोई भुगतान नहीं मिला जाएगा। अभी मॉल में कोई गार्ड नहीं है एवं सफाई व्यवस्था सुचारू भी नहीं है, इसलिए आक्रोशित दुकानदारों ने मॉल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दुकानदार अर्जुन सिंह ने बताया कि मेंटेनेंस के नाम पर दुकानदारों से संचालक पैसे ले रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कोई काम मॉल के अंदर नहीं किया जा रहा है। मामला ये है कि हम क्रॉसपॉइंट मॉल की तरफ से जितने भी दुकानदार हैं, सबों ने मिलकर ये ठेका बनाया है, क्योंकि हमको हर साल ये आर्टेक ग्रुप की तरफ से परेशान किया जाता है और मेंटेनेंस के नाम पे हमसे हर महीने ये पूरा पैसा वसूल करते हैं। अगर हम 10 दिन भी लेट हो जाते हैं तो ये लोग हमारा इलेक्ट्रिसिटी लाइट काट देते हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। हम हमेशा इन लोगों के साथ रहते हैं और हमेशा इनका साथ देते हैं हम लोग। इनकी कोई भी समस्या हो, अगर इनके एक्सीलेटर लिफ्ट नहीं चलते, हम चार पाँच महीने इंतजार करते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसा ही किया था और हमें दोबारा ये करना पड़ा था। पिछले साल भी इन्होंने बोला था कि हम एसी प्लांट न्यू डलवाएंगे, पिछले साल भी पूरी गर्मी में हमारा सीजन खराब हुआ और उन्होंने एसी प्लांट चालू नहीं किया। सेम टू सेम वही दोबारा सीजन, अभी तक मार्च का सीजन चालू हो चुका है, इनका अभी तक एसी चालू नहीं हुआ। अगर इनको हम मेंटेनेंस नहीं देते, 10 दिन या 15 दिन कोई भी लेट होता है तो ये पर्टिकुलर सभी दुकानदारों की बिजलियां काट देते। तो हमारे आरटेक ग्रुप एमडी सर से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि आप खुद आए इधर और आके हमारे दुकानदारों की समस्या सुने और उसको सॉल्व करें। इधर का जो भी मैनेजमेंट स्टाफ है, सिक्योरिटी से लेके जो भी है, इधर के SOY जो भी है, वो लोग हमको अच्छे तरीके से जवाब नहीं देते। उनसे हम बात करते हैं, अपनी समस्या पेश करते हैं, तो वो उल्टा जवाब देते हैं कि हम ये चीज नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि इनको टाइम से मेंटेनेंस लेना है, टाइम से रेंट लेना है, तो इनको सर्विस भी पूरी देनी पड़ेगी हमको, ऐसा नहीं चलेगा इनको। और हम इनको काफी साल से देखते आ रहे हैं, हमें ये लिखित में दे दे कि हम कब तक इस सर्विस हम सॉल्व कर देंगे, इनके मॉल की जो भी समस्या है हम कब तक सॉल्व कर देंगे। हमने इनको लिखित में एक लेटर दिया है, मैं आपको प्रेजेंट में दिखा रहा हूँ। ये वहां से आया जब लिखित में लेटर पेश किया, हमने 3 दिन का समय दिया था कि आप आके हमसे बात करो और इसको देख के इसकी समस्या का समाधान करो, जो कि आज 4 दिन चल रहा है। इनका मैनेजमेंट का एक भी बंदा हमारे पास अभी तक नहीं आया है।